और बाबा कहते हैं जैसे ही वो गरी भगवान महादेव के पास प्रभु उत्सुक है ये जानने के लिए कि आज दाक्षायणी बुद्धिमती सती ने कैसी परीक्षा ली होगी मेरे प्रभु की। कहने लगे कैसे परीक्षा ली, क्या वो उत्तीर्ण हुए? तो माँ सती ने मिथ्या भाषण कर दिया। कहने लगी मैंने तो परीक्षा लेकर देखा ही नहीं, आपने जो कहा मैंने उसे सच मान लिया, आपने कहा वो भगवान है तो मैंने भी भगवान मान लिया। तो भगवान महादेव उसी समय कहते हैं ध्यान में बैठते और सारा दृश्य देख लेते हैं कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है और वो उसी समय मन ही मन माँ सती का परित्याग कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती है क्योंकि इन्होंने मेरी माता का स्वरूप धारण किया है, इसे एक पत्नी रूप में मैं अपना नहीं सकता हूँ। और उसी समय मन ही मन वो उनका परित्याग कर देते हैं। ये कैसी संस्कृति है हमारी, देखिए रिश्तों की बड़ी मर्यादा रहती है हमारी। मैं आने वाले दिनों में जब प्रभु श्री राम जी की और श्री जानकी जी की बात छेड़ूंगी तो मैं रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों की गहनता के विषय में भी आप तक जरूर लेकर जाऊंगी। और कहते हैं माता सती समझ जाती है और प्रभु की चर्चाएं सुनते हुए बहुत समय व्यतीत होता है। और कहते हैं जब समय व्यतीत होता है तो कैसे दक्ष की यज्ञशाला में माँ सती अपने आप को भस्मीभूत करती है और पुनः जन्म लेती है माँ पार्वती के रूप में और फिर से वही यात्रा फिर से शुरू होती है। नारद जी मिलते हैं, भक्ति प्रारंभ होती है और फिर भगवान को पाने का वो जो सिलसिला है शुरू हो जाता है। जो मन पहले बुद्धि में विचारों में इधर उधर भटका हुआ था वो मन